हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसएस गाइड। और आज हम ट्रेनिंग की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। उससे पहले हम बात कर लेंगे ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग बेसिकली जॉब से रिलेटेड स्पेसिफिक स्किल्स को सीखने का नाम है, ठीक है। तो पहले हमने बात की ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के ऊपर, लेकिन आज हम बात करेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स के ऊपर। और ये डिफरेंट इस तरह से है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड से कि उसके अंदर इम्प्लॉय अपनी वर्किंग कंडीशंस के अंदर रहते हुए, अपनी जॉब पे रहते हुए सीखता है, ठीक है। ही लर्न बाय डूइंग हिज जॉब। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता, यहाँ पे होता है कि आप वर्किंग कंडीशन से निकल के आपके लिए एक अलग सेटअप के अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। इसका एडवांटेज ये होता है कि आपके ऊपर वर्क प्रेशर नहीं होता, लाइक जैसा कि आपको अपनी जॉब साइट पे होता है, आपने अपनी डेडलाइंस को मीट करना होता है, उसके साथ साथ आपने ट्रेनिंग सेशन भी लेने होते हैं, ठीक है, ऑन दी जॉब पे रहते हुए। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होता, यहाँ पे आपको एटलीस्ट आपकी जॉब का प्रेशर नहीं होता, आपकी तमाम तर कंसेंट्रेशन जो है वो ट्रेनिंग पे होती है, ठीक है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये मंथ्स की भी होती है, ये वीक्स की भी होती है। समटाइम्स ट्रेनिंग जो है वो 1-2 वीक से ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग। और समटाइम्स ये 6 से 7 मंथ्स पे भी चली जाती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जॉब, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है कि इट इज द ट्रेनिंग मेथड, द ट्रेनिंग हैव टू लीव द वर्क प्लेस, ठीक है। आपने एक अलग सेटअप के अंदर रहते हुए ट्रेनिंग लेनी है एंड दे स्पेंड देयर इंटायर टाइम टू ट्रेनिंग। उस टाइम में आप और कोई काम नहीं करते हो, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग और फिर जो ट्रेनिंग मेथड्स की टाइप्स के ऊपर। इसकी बेसिकली एट बेस्ट टाइप्स हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं केस स्टडी मेथड की, ठीक है। सेकेंड वन पे हम देखेंगे इंसिडेंट मेथड क्या है, यहाँ पे किस तरह के जो केसेस हैं उनको स्टडी किया जाता है। देन रोल प्ले मेथड को, कि कौन कौन से रोल जो किस सिनेरियो के अंदर ये वाली जो मेथड है हम यूज करते हैं। देन कम्स इन बास्केट मेथड, बिजनेस गेम मेथड, लेक्चर मेथड जो कि बहुत ओल्ड और बहुत फेमस मेथड है। देन ऑडियो वीडियो मेथड एंड सिमुलेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद केस स्टडी मेथड। सो केस स्टडी मेथड जो है, इट इज इन विच द ट्रेनिंग एनालाइजेज रियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ ट्रेनर्स है उनको एक हाइपोथेटिकल या फिर एक रियल सिनेरियो जो प्रॉब्लम है वो दी जाती है। उसके अंदर फिर ये होता है कि जो ट्रेनर्स है उन्होंने उस सिचुएशन को या उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना होता है, एनालाइज करते हैं। उसके बाद उसके लिए अगर उन्हें जो भी डाटा चाहिए वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। बल्कि ये होता है कि केस स्टडी मेथड के अंदर ना इम्प्लॉइज को तमाम तर इंफॉर्मेशन, तमाम तर डाटा दिया जाता है। देखना ये होता है कि वो क्या सॉल्यूशंस जो है वो ड्राइव करते हैं, ठीक है। एंड सजेस्ट नॉट ओनली व्हाट टू डू बट आल्सो हाउ टू डू, मींस के सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद वो डिफरेंट सजेशंस देते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि इनमें से कौन सी वाली सजेशन जो है वो बेस्ट है, ठीक है। अगर हम इसके एडवांटेजेस को देखें तो केस स्टडी मेथड का बेसिक एडवांटेज ये भी होता है कि इससे जो लर्नर है उसकी वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इंप्रूव होती हैं। उसके अलावा केसेस एक्सपोज लर्नर्स टू अ वाइड रेंज ऑफ ट्रू टू लाइफ मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। Then cases inspire interest in otherwise theoretical and abstract training material. लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो ये होता है कि जो ट्रेनिंग है वो उनकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो उस पर जस्ट एक गेम समझ रहे होते हैं, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन समझ रहे होते हैं। एक रियल सिनेरियो के अंदर जो आपकी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होती है वो यहाँ वो नहीं बन पाती, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जो केसेस हैं इट समटाइम्स कंफ्यूज स्टूडेंट्स हु आर यूज टू डेफिनेट सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर हम बात इंसिडेंट मेथड की तो लर्नर्स आर इनिशियली गिवन द जनरल आउटलाइन ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। बस एक जैसे अगर आप रियल वर्क सिनेरियो में काम करते हैं तो कोई प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ आपको पता होता है कि ये प्रॉब्लम अकर होगी, आपको आपके पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मुकम्मल डाटा नहीं होता, क्योंकि डाटा उस टाइम पे फिर आपने जनरेट करना होता है। आप उस सिचुएशन की प्रॉब्लम करते हैं, आप डिफरेंट एरियाज को देखते हैं कि फॉल्ट कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे भी इसी तरह से होता है कि आप सिर्फ एक जनरल आउटलाइन दे देते हैं ट्रेनर ट्रेनिंग को कि ये प्रॉब्लम है। अब क्या होगा कि अब हमने ये देखना होता है, एनालाइज करना होता है कि वो जो ट्रेनिंग है वो कहाँ, वो किस तरह से अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है।
एंड रिसीव एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर ओनली एज दे रिक्वेस्टेड, कि जैसा इसमें क्या है कि और ट्रेनी को एडिशनल इन्फॉर्मेशन सिर्फ तब प्रोवाइड की जाती है जब वो डिमांड करता है. जैसे जैसे वो जो जो इन्फॉर्मेशन डिमांड करता जाता है ट्रेनर उनको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता जाता है. सो इसमें टोटली ये होता है कि आपने ट्रेनी की एनालिटिकल स्किल्स को देखना होता है कि वो किस और उनको इम्प्रूव करना होता है. इंसिडेंट मेथड से ये एडवांटेज मिलता है. जैसे अगर नेस्ले है, अगर आपने नेस्ले का इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है उसकी अगर आपने टेस्ट दिया हो तो वो रियल लाइफ सिनेरियो आपके सामने रख देते हैं. लाइक सपोज उसने एक क्वेश्चन ये था कि आप वहां आप फूड सर्विस क्वालिटी में काम कर रहे हो और एकदम से आपको कहा जाता है कि आपके जो नूडल्स स्कूल में सेल किए जाते हैं वो खाने की वजह से स्कूल के जो डिफरेंट बच्चे हैं उनको कोई पेट दर्द आ गया. ठीक है, ठीक है, उनको हैजा हो गया. तो अब आप क्या करेंगे? ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब ये डिपेंड करता है, वो आपको डिफरेंट सजेशंस देते हैं कि आप इनमें से कौन से किस चीज को पिक करोगे. आप अपने फूड सेक्टर को जाके चेक करोगे, यहाँ पे एक कमेटी बनाओगे, क्या करोगे? ठीक है, इंसिडेंट मेथड के अंदर एक रियल सिर्फ एक प्रॉब्लम बता दी जाती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर उसने अपने एनालिटिकल स्किल्स को देखते हुए सोल्यूशन जो है वो बताने होते हैं. जी हाँ, अब बात करते हैं रोल प्लेइंग मेथड पे. इसको हम ये भी कह सकते हैं लर्निंग थ्रू एक्टिंग. इसमें क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको डिफरेंट रोल्स असाइन किए जाते हैं एंड दे आर रिक्वायर्ड टू एक्ट आउट दोज रोल्स इन अ रियलिस्टिक सिचुएशन. ठीक है, अब इसमें ये होता है कि आप इस मेथड का बेसिक सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है एबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू अज्यूम द रोल्स रियलिस्टिकली. ठीक है, समटाइम्स इसके अंदर वीडियो टेपिंग भी अलाउ की जाती है ताकि हम परफॉर्मेंस को वो कर सकें, इवेलुएट कर सकें. ठीक है, अब इस तरह ये जो मेथड है, अगर इसका बेसिक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इसको सिर्फ एक एक्टिंग तक महदूद करें तो हम बेसिक पर्पज अचीव नहीं कर सकते. इसके अंदर आप रोल प्लेइंग में ये होता है कि आप पार्टिसिपेंट्स को एक एज अ मैनेजर का रोल देते हैं. मैनेजर का रोल देने के बाद उनको उनको एक प्रॉब्लम दिया जाता है और उस प्रॉब्लम के अंदर एक मैनेजर जो है वो किस तरह से एक्ट करता है, क्या डिसीजंस लेता है, क्या वो अपना अपनी सेल्फ कंट्रोल किस तरह से करता है, ये सारा हमें उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स को सिखाना होता है. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात वो है इन बास्केट ट्रेनिंग मेथड. इन बास्केट ट्रेनिंग मेथड्स क्या है? It assesses a candidate's ability to perform a manager's job from an administrative purpose. इसमें क्या होता है कि आपको एक मैनेजर की जगह पे प्लेस कर दिया जाता है और इसके अंदर सबसे पहले ये होता है कि आपको फिर मैनेजर की जो ड्यूटीज हैं उनको देखना है. सपोज इसके अंदर आपको मैनेजर की मेल और टेलीफोन कॉल्स जो हैं उनको आंसर करना है. अब एक ही टाइम पे आपको कॉल आती है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट कस्टमर से जो कि एंग्री आपसे नाराज है कि हो सकता है उसको सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड नहीं की गई है, हो सकता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो खराब हो, तो वो बहुत गुस्से में है. लेकिन साथ ही आपको एक सिविल क्लब से लोकल सिविल क्लब से लेटर रिसीव होता है जो कि डोनेशन की रिक्वेस्ट कर रहे हैं. अब इस सिनेरियो के अंदर देखा जाएगा कि जो आप पार्टिसिपेंट है वो सिचुएशन को किस तरह से एनालाइज करता है. ठीक है, और एनालाइज करने के बाद हम देखते हैं कि वो कौन से सिचुएशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं. ठीक है, और उनको किस तरह से डील कर रहा है. ठीक है, इट मीन्स के दिस मेथड इज इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ डिसीजंस एंड ऑन द प्रायोरिटीज असाइन टू ईच सिचुएशन. ठीक है, अच्छा, एक तो उसका ये फायदा है बिजनेस गेम मेथड की. अच्छा, बिजनेस गेम मेथड के अंदर क्या होता है कि आप डिफरेंट सिचुएशंस देते हैं पार्टिसिपेंट्स को और उनके अंदर आप एक कंपटीशन लगा देते हैं. ठीक है, जिस तरह से गेम्स जो हैं उनमें एक एक हिसाब से कंपटीशन चल जाता है ना, तो इसी तरह बिजनेस गेम मेथड के अंदर भी एक कंपटीशन चलता है. ठीक है, बिजनेस गेम इज एन इंटरेक्टिव स्ट्रक्चर ट्रेनिंग एक्टिविटी विद स्पेशली क्रिएटेड कंडीशंस व्हिच एम टू रिप्रोड्यूस दोज ऑफ द वर्किंग सिचुएशंस इन अ सक्सेसफुल बिजनेस. ठीक है, इसके अंदर आप डिफरेंट जो स्किल्स हैं वो डेवलप करते हो. नेक्स्ट अगर हम बात करें लेक्चर मेथड की, तो ये बहुत फैमिलियर और बहुत ओल्ड मेथड है. ठीक है, इसके अंदर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इट्स जस्ट टीचिंग बाय द
वर्ड्स, ठीक है। इस मेथड के अंदर क्या होता है कि आप एक ही टाइम पे बहुत ज्यादा ऑडियंस को एड्रेस कर सकते हो। दूसरा, इसके अंदर कोई फिजिकल डैमेज नहीं होता, जिस तरह से अगर आप ओनली वेब ट्रेनिंग को जाकर काम करते हो, डायरेक्ट मशीन के साथ इंटरेक्शन करते हो। यहाँ पे क्या होता है, और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव तब होता है जब इसको हम यूज करें स्टडीज के मेथड के लिए। सपोज बेसिकली जो ये मेथड है, ये यूज होता है जहां पे हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते कुछ काम। सपोज मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनको हमें दिखाना है कि डाइजेशन किस तरह से होती है हमारे स्टमक के अंदर, हमारे मुंह से होती है, हमारे स्टमक के अंदर, इधर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। तो क्या होता है कि केस लेक्चर मेथड के अंदर उनको स्लाइड्स या स्लाइड्स के जरिए, एक इमेजेस के थ्रू उनको एनिमेटेड इमेजेस दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो एक पूरा प्रोसेस हम इसके अंदर दिखा सकते हैं। इसके अंदर आप पावर पॉइंट की स्लाइड ऐड कर सकते हो, इसमें वर्ड की फाइल जोड़ सकती है, उसके आप ऑडियो वीडियो यूज कर सकते हो, ठीक है। बात करें तो वो भी लेक्चर मेथड की ही सब टाइप का ऑडियो वीडियो मेथड, ठीक है। इसके अंदर आप ऑडियो ऐड, वीडियो ऐड या दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके अंदर अगर एग्जाम्पल, इसमें हम फिल्म स्लाइड, फिल्म टेप्स, वीडियो टेप्स, इन सबको यूज करते हैं, ठीक है। देखा, इसमें भी लिखा हुआ है कि एकेडमिक एजुकेशन के लिए ये बेस्ट मेथड है। अगर मेडिकल के स्टूडेंट्स को हार्ट का स्ट्रक्चर दिखाना है कि किस तरह से वो ब्लड को पंप करता है, किस तरह से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, उसके में किस तरह से ब्लड जाता है, तो उसके लिए फिर स्टूडेंट्स को एनिमेटेड वीडियोस दिखाई जाती है। तो उससे क्या होता है कि वो पूरा एक प्रोसीजर सीख जाते हैं। ये सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि अगर हम देखें वर्किंग सेक्टर के ऊपर मशीन्स किस तरह से काम करती हैं इंटरनली, तो इम्प्लॉयज को वो भी एनिमेटेड फॉर्म में दिखाया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग उस मशीन के हवाले से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है। उनको डूज एंड डोंट्स बताए जाते हैं कि एक वर्किंग सेक्टर पर रहते हुए आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। इसके अलावा उनको उनकी पर्सनल स्किल्स को जिस तरह से एनहांस करना है, वो भी इनको इसी से इस तरह से किया जाता है। देन कम सिमुलेशन। सिमुलेशन जो है, इट इज ये एक ऐसा ऑफ जो ट्रेनिंग मेथड है कि जहां पे आपको तकरीबन एक रियल वर्ल्ड सिनेरियोस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर वो इस तरह से कि वो रियल वर्ल्ड में ही काम कर रहे होते हैं। आपने उन सिचुएशन को, रियल प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपने डिसीजन लेना होता है। ये भी केस स्टडी इन बास्केट मेथड की तरह ही है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि इसमें आपकी बेसिक एनालिटिकल स्किल्स को जज किया जाता है। आप किस तरह से एक सिचुएशन को हैंडल करते हो, क्या डिसीजन मेकिंग करते हो, और जो आपने सोल्यूशन प्रपोज किए हुए हैं उनमें से कौन सा बेस्ट सोल्यूशन आप पिक करते हो, ठीक है। सिमुलेशन के अंदर ये हमने ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड को भी कवर कर लिया। आज हमारी ट्रेनिंग सीरीज जो है वो कंप्लीट हो गई है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।